और ये हमारे बाबा जी, इन्होंने राइड करते करते अपनी पर्स नीचे गिरा दी। सोच रहे थे कि दान कर दे गांव वालों को थोड़ा सा पैसा और कार्ड वार्ड जो भी है, पैसा बहुत हो गया अभी उनके पास। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज है संडे और हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड, छोटी सी नहीं बोल सकते यार, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना है। सो वी आर गोइंग टू मोड़क सागर, यानी वैतरना डैम, लोअर वैतरना डैम। अपर भी है, अपर आगे है इगतपुरी के आगे, और लोअर नीचे है थोड़ा इगतपुरी से पहले, खरड़ी से थोड़ा सा हमको अंदर जाना है। सो हम 6 जन हैं, निकले हैं। मैं हूँ, पीयू है, बाबा है, चिंतन है, बीनू है और निशांत है। तो हम 6 जन हैं अपने अपने बाइक्स पे, और अभी बजे है सुबह के ऑलमोस्ट 6:57 और हम निकले थे 6 बजे। अंधेरा था इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सो अब हम ऑलमोस्ट भिवंडी क्रॉस करके आगे आ गए हैं। तो अगला स्टॉप रहेगा दत्त स्नैक्स पे, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे के लिए। पहुंच गए यहाँ पे दत्त स्नैक्स पे। अभी तो थोड़ा हम जल्दी पहुंच गए हैं, सो बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं। अभी भी 7:15 बजा है, अभी तक सूरज देवता ऊपर नहीं आए, थोड़ा सा कंजेस्टेड है। कर लेते हैं यहीं पे पार्क। यस, सो इट्स ऑल पार्क्ड। ऑल सेट, चलो कुछ खाते हैं। निशांत ट्राइंग टू कैप्चर प्रशांत प्रॉपरली। शादी का एल्बम बना रहे दोनों और वेडिंग शूट चालू है, प्री वेडिंग शूट। सो ब्रेकफास्ट आ गया है, करते हैं फटाफट और मजे लेते थोड़े से। ब्रेकफास्ट हो गया है अच्छा खासा, थोड़ा सा मिसल पाव, थोड़ा सा वड़ा पाव, थोड़ी सी चाय, और हम निकल पड़े हैं अभी आगे वैतरना डैम के लिए। वेदर इतना अच्छा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, कि थोड़ी भी धूप नहीं है, थोड़ा भी सूरज नहीं है, और हमारी ये सब राइडर्स मस्त चल रहे हैं मज़े में, और वेदर अच्छा खासा है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना अच्छा वेदर, मज़ा आ रहा है यार राइड करने में। और राइडर को क्या चाहिए यार, इतना अच्छा वेदर हो और अच्छे से दोस्त हो राइड्स के लिए। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट खरड़ी स्टेशन पहुंच गए हैं, और वहां से हमको एक लेफ़्ट लेना था अंदर के लिए, तो सीधा सीधा ये रास्ता जाता है वैतरना डैम के पास। अभी यहां से 15 किलोमीटर है अंदर वैतरना डैम, और फिर वहां पहुंचते ही हमें पता चलेगा यार कि कैसा मौसम है। मौसम तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा भी धूप नहीं है। जंगल में ऐसा रोड कितना अच्छा लगता है, देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स, सुबह सुबह मस्त मस्त राइड विथ अच्छा ब्रेकफास्ट, इतना सुहाना संडे, कितने लोगों का जाता है यार। वुड्स लेक थोड़ा सा रास्ता खराब है और बहुत सारे खड्डे भी हैं, तो आते हो तो थोड़ा संभाल के चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, सेफ राइड इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। बाकी नो ट्रैफिक यहाँ पे, कोई गाड़ियों का ज़्यादा आना जाना नहीं है, सो आप थोड़ा सा केयर फ्री हो सकते हो, बट वॉच द पॉट होल्स। You said you wanted to fall into oblivion. Forget.
सो ऑल टुगेदर हम लोग 7 लोग हैं, यानी 7 bikes, बीनू, वो निशांत, आगे है तापसेर, उसके आगे है चिंतन, फिर पीयू और टॉप में हमारे बाबा जी। सो ऑल आर वेरी नाइस राइडर्स, बहुत अच्छे राइडर्स हैं सब लोग, रिस्पॉन्सिबल राइडर्स हैं। सो आप जब भी राइड करते हो आपका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रोड पे सिर्फ हम अकेले नहीं चलते हैं, 10 लोगों को साथ लेके चलते हैं, 10 लोग अलग अलग आते भी रहते हैं रास्ते पे। सो हमेशा अलर्ट रहना ज़रूरी है, मैच्योर रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रैक की तरह रोड को यूज़ करने लग गए ना, तो अपने साथ साथ हम लोगों की भी जान को धोखा दे देते हैं। सो इट्स बेटर राइड सेफ स्टे सेफ। अब डैम के थोड़ा नज़दीक आने लगते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, एक्चुअली इनको गांव नहीं कहते, इनको पाड़ास कहते हैं, क्योंकि ये हार्डली 7-8-10 गांव घरों का एक छोटा सा कस्बा रहता है, हिंदी में कस्बा कहते हैं, हमारे मराठी में उसको पाड़ा कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, लाइक लहर 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 ऐसे ऐसे। तो गाइस जहाँ पे हमको पहुँचना था हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये एक बेसिक गांव है जहाँ पे हमारा आखिरी पड़ा होगा, यहाँ से शायद थोड़ा चल के जाना पड़ सकता है, देखते हैं, अगर रास्ता अच्छा रहा तो गाड़ी डाल देंगे अंदर, नहीं तो थोड़ा चलना पड़ेगा भाई साहब। ओके, तो ऑलमोस्ट 98 किलोमीटर के राइड के बाद एंड एक ही ब्रेक के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं मोडक सागर, यानी लोअर वैतरना। सो ये डैम यहीं से हमारे पूरे मुंबई को पानी जाता है, ना ही ये डैम और भी 3 डैम है, जैसे भादसा हो गया, तानसा हो गया, अपर वैतरना हो गया। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट डैम जहाँ से पूरे मुंबई को पानी आता है। सो इट इज़ सो ब्यूटीफुल, मैं आपको बताऊँ अभी सुबह के हवा में इतना अच्छा लग रहा है ये, और थोड़े से ड्रोन शॉट्स भी मैं लूँगा, बट हमारी गैंग बहुत खुश है यहाँ आके, क्योंकि गर्मी नहीं है, ज़्यादा धूप नहीं है, वेदर भी अच्छा है और एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। और हमारे साथ जो राइडर है वो भी जोरदार है, द डॉग निशान भाई, खाली फूड मुझे चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक छोटा सा राइडर हूँ इस राइडिंग के दुनिया में, और ये हमारी छोटी सी फैमिली है, राइडिंग फैमिली, और ये हमारे मुखिया है लीडर। एवरी संडे ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे आने मिल जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है लाइफ में, और कोशिश तो ज़रूर होती है कि हर संडे इस सीज़न में हम राइड कर लें, क्योंकि जैसे विंटर ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आगे चल के समर में बहुत हालत ख़राब होगी इतने सारे गेयर्स में बाहर निकलने के लिए। सो ये जो टाइम है, ये जो विंटर का टाइम है, इसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करने की कोशिश हम करते हैं, और ग्रुप भी हमारा इतना अच्छा है कि कोई डिनाई नहीं करता, यार चलो राइड करनी है, चलो चलते हैं यार, इसी का तो मज़ा होता है यार, किसी के कोई टेंटरम्स नहीं, राइड करनी है तो एवरीबॉडी इज़ ऑन।
तो यहाँ पे जितना भी अच्छा मौसम था हमने एंजॉय कर लिया है, लेक को भी हमने एंजॉय कर लिया, डैम भी देख लिया। फर्स्ट टाइम आए थे ये डैम पे तो अच्छा लग रहा है आके, और कोशिश करेंगे कि अगली बार अगर फिर कभी मौका मिले तो यहाँ पे फिर आने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ का टाइम तो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट अभी बज गए हैं 10:30, तो हमको निकलना है कैसे भी करके 12:30, 1 बजे तक हमें घर पहुंचना है। 10 में एक और ब्रेक होगा, तो मिलते हैं आगे बाइक पे। चलिए, डैम के दर्शन हो गए, लेक के दर्शन हो गए, अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स भी ले लिए, होप सो आपको पसंद आए हो, और फोटोज भी ले लिए। सो इट्स टाइम टू लीव नाउ, और कोशिश तो रहेगी, अभी बज गए हैं 10:30 तो फटाफट पहुंचने की कोशिश रहेगी। रास्ते में एक और ब्रेक लेना है, बोल रहे जूस ब्रेक लेंगे कहीं पे, तो सो देखते हैं कहाँ मिलता है जूस। जूस ब्रेक मिलने के बाद हम फिर से आपसे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मैं जस्ट सोच रहा था कि अगर बारिश के मौसम में अगर यहाँ आया जाए तो क्या मौसम रहेगा ना यार, पूरी ग्रीनरी रहेगी चारों बाजू, धुआंधार बारिश, और एक अलग ही मज़ा होगा राइड करने का यहाँ पे। तो एक बार बारिश के टाइम पे यहाँ आना तो बनता है भाई, ज़रूर बनता है। तो कोशिश करेंगे कि जब अगला मानसून हो तो हम अपने इसी ग्रुप के साथ और कुछ और राइडर्स ऐड करके थोड़ा एक बड़ा गैंग बना के आते हैं यही जगह पे। कितना अच्छा होगा यार इतनी बड़ी गैंग के साथ यहाँ आके धमाल करना। आज भी वैसे मज़ा आया, कुछ ऐसे नहीं कि हम 7-8 जन ने कुछ मज़ा नहीं किया, बहुत मज़ा आया। तो कोशिश रहेगी कि अगले बारिश में भी हम यहाँ आए। पहुँच गए हैं गाँव में, इस गाँव में आज शायद संडे का बाजार भर गया है। यहाँ पे प्लान हुआ है थोड़ा गन्ना जूस पीने का गांव में ही, सो गन्ना जूस पियेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। सो हम लोग हैं अभी वैतरना रोड बाजार पेट में, अच्छी खासी बाजार पेट है यार यहाँ पे, उस सामने है गन्ने वाला, तो वहाँ पे जूस पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइड के बाद गन्ना जूस पीना मतलब एकदम अमृत जैसा होता है, फिर एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं सब, जितना दबा सकते सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसल पाव हो गया, वड़ा पाव हो गया, गन्ने का जूस हो गया, अब ऑमलेट पाव, मतलब रास्ते में कुछ छोड़ने का नहीं, जो मिला वो खाते रहो, एनर्जी बढ़ाते रहो। गाड़ी की इतना पेट्रोल नहीं खाती जितना इन सबका पेट खाता है। और ये हमारे बाबा जी, इन्होंने राइड करते करते अपनी पर्स नीचे गिरा दी, सोच रहे थे कि दान कर दे गाँव वालों को थोड़ा सा पैसा, और कार्ड वार्ड जो भी है, पैसा बहुत हो गया अभी उनके पास, तो फिर भी गाँव वालों को इनके ऊपर दया आ गई और उन्होंने ईमानदारी के साथ इनका पर्स रिटर्न कर दिया। As faster than the internet speed. Actually, हम लोग इधर खड़े थे और एक के पीछे एक गाँव वाले बाइक पे से आ रहे और बोल रहे कि आपका पर्स पीछे गिर गया, पर्स पीछे गिर गया। सो नाइस ऑफ देम, एक्चुअली हेड्स ऑफ टुडे, क्योंकि ये अगर मुंबई सिटी में गिरता ना तो मेरे को लगता है पर्स तो छोड़ो, पर्स का नामो निशान भी नहीं मिलता आपको कहीं पे। बुर्जिपा हो गया, जूस हो गया, सब कुछ हो गया और राइड भी अच्छे से हो गई। सो वी आर ऑन द बैक टू द होम, और हाईवे पे भी आ गए हैं। सो अभी बजे है यहाँ 11:30, पहुँचते और एक आध डेढ़ घंटा लग ही जाएगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो छोटा सा हमारी एक छोटी सी राइड आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है यार, इंस्टाग्राम के अपने मेंबर, अपनी फैमिली बढ़नी चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, अपने 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आगे भी ये फैमिली बढ़े इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स फटाफट हो, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना हो सके प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपकी मैं विदाई लेता हूँ, बाय।